आप किसी को डेट कर रही हो इन दिनों? नहीं यार, मैं बिल्कुल किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। सीधा मैं आप सभी को, मेरे शादी में आमंत्रित रहेगा, मैं सीधा शादी करूंगी, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम है। फिर भी कितना टाइम होगा? चार साल अभी तो। इस बार क्या नया लेकर आई हैं रायपुर और क्या चीज हमसे शेयर करेंगे? अच्छा, तो हम आज जिस माध्यम से मिले हैं, मैं पहले उनको बता देती हूँ। आज एक प्रोग्राम रखा गया था रायपुर में, जहाँ पे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, जिन्होंने उन्हें मुझे भी एक सम्मान किया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ पूरी टीम को। और बस इसी सिलसिले में मैं आज आई हूँ। तो हमने सुना है कि यूनिसेफ भी आपको अप्रोच किया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूनिसेफ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। तो मुझे एमएसएफ के थ्रू मेरे वीडियोस को देखते हुए उन्होंने मुझे अवेयरनेस वीडियो के लिए सेलेक्ट किया गया है। हमारे इंडिया से मैक्सिमम 13% हैं और जिसमें मैं भी हूँ, तो मुझे मुझे खुद के लिए प्राउड बात है। और अगर अवेयर के लिए तो मैं हमेशा कहीं भी हमेशा जागरूक रहूंगी कभी भी करने के लिए। अच्छा ये बताइए, जब आप टिकटॉक के जमाने में काफी फेमस रहा करती थी और आपके साथ वाले जो लोग थे वो भी आज के दौर में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा उनकी जो वीडियोस है वल्गर श्रेणी माने लगे, तो क्या आपने इसे आगे बढ़ने के लिए वो कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, हमको पता है कि हम हमारे अंदर क्या टैलेंट है, तो हम उसी टैलेंट को लेके ही चलेंगे, ना कि हम देखिए हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमारी संस्कृति है, हम उनको जानते हैं, तो बेशक हमको हमारी संस्कृति की ओर ही लेके जाना चाहिए और ऐसे मैसेज देने चाहिए कि जो लोग फॉलो करें, ना कि वल्गर टाइप का। और यूथ के लिए मैं एक, जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि मैं यूथ लोगों के लिए एक एसोसिएशन बनाई हूँ जिसका नाम है छत्तीसगढ़ यूथ आर्टिस्ट एसोसिएशन। आपकी डेली रूटीन करें बताइए, आपका उठती है और क्या क्या किस तरह आपके काम दिन में होते हैं? सर, मेरा कोई भी रूटीन फिक्स नहीं है, क्योंकि मेरे को कभी सोने में रात हो जाती है, कभी जल्दी उठ जाता है, तो मेरा जब नींद खुल जाता है तब, और जैसे काम रहता तो मुझे तो उठना ही पड़ता है भाई, कुछ भी रहे कभी भी सोए रहो, ऐसा कुछ भी डेली रूटीन नहीं है। मैं अपने पे ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ, मेरे पास बर्डन इतना ज्यादा हो गया मेरे कामों का, तो बस चाहते भी मैं थोड़ा सा सेफ रहूँ। बस सुबह मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ नानी के डाल खाने से। जो भी सेलिब्रिटीज होती है, खासतौर पर जो उनके फैंस होते हैं, वो उनके बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, तो उनकी ये भी सोच रही थी वो डेट्स किसको कर रही, क्या आप किसी को डेट कर रही हो? नहीं, मैं बिल्कुल किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। सीधा मैं आप सभी को, मेरे शादी में आमंत्रित रहेगा, मैं सीधा शादी करूंगी, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम है। फिर भी कितना टाइम होगा? चार साल, अभी तो मैं 22 साल कम्प्लीट हुए हैं, 23 साल होने वाली हूँ। अच्छा, आपको जो वो मैक्स आप बता रही थी, इसमें 1 मिलियन आपके वो हो गए हैं, उसमें अभी उस तरह में उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरह की चीजें उन्हें पोस्ट कर रही है? अच्छा, टका से पहले मुझे मेल आया था, एक प्रोग्राम उन्होंने करते हैं जिसका नाम है लॉन्च पैड प्रोग्राम, उन्होंने मुझे उसमें सेलेक्ट किया और मैं उस प्रोग्राम में जुड़ी और हमने उसमें कुछ साइन किया है, बॉन्ड साइन किया है उसमें, है ना। तो उसमें ऐसा रहता है कि कुछ हैशटैग्स आते हैं वीकली या मंथली, उसमें हम हैशटैग्स में हम लोगों को चैलेंज में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और अगर हमारी वीडियोस वायरल होती है तो हमको बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी मिलते हैं जो हमारे यूजफुल होते हैं, और साथ ही हमारा इनकम भी बहुत अच्छे से होता है, और उसके साथ साथ हमें ब्रांड प्रमोशन के भी बहुत सारे टीम्स आती है हमसे मिलती है। अच्छा, बीच में जब टिकटॉक बंद हुआ था उस समय लोग जितने भी कलाकार थे सारे परेशान थे, तो उस बीच 2-3 महीने किस तरह की सोच रही होगी, आप क्या सोचते रहोगी कि ये बंद होगी अब क्या करें? देखिए, दूसरों के लिए बेशक ये बहुत दर्द भरा रहेगा, क्योंकि इतने सालों से जुड़े थे और अचानक से टूट जाता है तो मन किसी का भी विचलित हो जाता है, पर मेरा अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा था कि मैं ऑलरेडी दूसरे प्लेटफॉर्म में भी जगह बना चुकी हूँ, तो मुझे इतना भी ज्यादा अफसोस नहीं था। अफसोस तो था क्योंकि उसी ने मुझे जन्म दिया है कह जाए तो अफसोस तो था, लेकिन फिर हम लोग हिम्मत नहीं हारे, दूसरे प्लेटफॉर्म में नाम बनाए और अभी वहाँ पे चल रहे हैं। बहुत सी लड़कियां जो है आपको देखने के बाद सोचती मैं भी इसी तरह का वर्क करूँ, फेमस हो जाऊँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में जो होते हैं वो खूबसूरती के अलावा उनमें और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो बताइए? इन्फ्लुएंसर मतलब जैसे हम देखा जाए इन्फ्लुएंस करना, लोगों को अपनी जो सही बातें हैं, तुरंत बातें वो पब्लिक तक पहुंचाना, ये मेन काम इन्फ्लुएंस का होता है। तो मैं समझती हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स ना कि सिर्फ ब्यूटी, हम कैसे वे ऑफ स्पीकिंग स्किल हो गए, अपनी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज हमारे वीडियो में दर्शाता, तो वो सभी चीज क्वालिटी को आपको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ब्यूटी के अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया काजल, आपसे बात हुई और अच्छा लगा, थैंक यू, शुभकामनाएं आपको।